अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन अकेडमी में 10 की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब आपके पास इस तरह की क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट, तो उसको कैसे टैकल किया जाता है, ये ज़्यादातर जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, तो उसी को आज सॉल्व करते हैं। इसी सिलसिले को कंटिन्यू किया हुआ था पिछले कुछ दिनों से, मैं इस तरह की ही टॉपिक्स पर वीडियो बना रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो x^6 - x³ = 2, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लिखते हैं x^6 - x³। 2 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा -2 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हो जाएगा जी, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं x^3² थ्री एक्सपोनेंशियल रूल को अगर यूज़ करें, 3 × 2 = 6 होता है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि x^6 है तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, -x³ (as it is - 2 as it is) = 0। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम लेट करते हैं, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, यहाँ से मैं लेट करता हूँ, लेट y = x³ या x³ = y के आप लेट कर सकते हैं, डैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पुट करते हैं 1 में, तो जहां पे x³ है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे y को, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज डैट y² क्योंकि x³ की जगह y आ जाएगा और ये स्केयर अप्लाई हो जाएगा, माइनस इसकी जगह क्योंकि x³ हमारे पास क्या है, y के इक्वल है, तो यहाँ पे x³ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा, -2 = 0। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम इसको करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ऐसे दो नंबर देखें हमारे पास सी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, -2 को हम ब्रेक करेंगे, ऐसे टू दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाए, और उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -1 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जी, -2 और +1। देखें -2 और 1 करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 2 × 1 = -2 हो जाता है, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो -2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। सो ये मिडटर्म ब्रेक हो चुकी, y² तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको y² - 2y + y - 2 = 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से, y को ले लेंगे कॉमन, y को जब कॉमन लिया तो y - 2 आ जाएगा, +1 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, y - 2 = 0। दिस कैन बी रिटन एज y - 2 and y + 1 = 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास स्टूडेंट इस तरह से हो जाएगा, वाई की दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं जीरो के इक्वल हैं, तो जाहिर बात है y - 2 = 0 एंड यहां से y + 1 = 0। तो अब यहां से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी, y = दूसरी तरफ 2 को शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, एंड y = ये दूसरी तरफ -1 हो जाएगा, 1 जाके जब दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास वाई की दो वैल्यू आ गई, अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, जो हमने लेट की थी वो हमने ये लेट की थी y = x³, डैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम x की y की वैल्यू एक एक पुट करते हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x³ = y के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, और यहाँ से x³ = पहले मैं 2 पुट कर लेता हूँ, y की जगह 2 पुट कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी, क्योंकि x³ है तो x³ है, दोनों साइडों पे हम ले लेंगे क्यूब रूट, और इधर भी हम ले लेते हैं क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और दिस कैन बी रिटन एज x = 2 इन टू, इसको हम इस तरह लिखते हैं जब क्यूब रूट हमारे पास आ जाए वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है जी y = -1, तो x क्यूब
इज इक्वल टू y की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये माइनस वन, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब इधर जब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास फार्मूला होता है, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, अगर इस पे भी क्यूब ले लूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वन का क्यूब लें तो वन ही होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी इन टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करें तो इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है जी, तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी दो, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस वन, एंड यहां से हम इस पे लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि मिडटर्म ब्रेक नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होती है, डेट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन एंड सी इज इक्वल टू ऑल्सो वन। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अवर टू ए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी ऑलरेडी हमारे पास माइनस वन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस वन का स्केयर लेंगे तो पॉजिटिव वन हो जाएगा, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू हमारे पास वन है एंड सी की वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव वन है, अंडर द रूट डिवाइडेड बाय टू इंटू ए की वैल्यू वन, एक्स विल बी इक्वल टू वन प्लस माइनस वन माइनस फोर वन जार फोर, फोर को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ई आएगा डिवाइडेड बाय टू वन जार टू, एंड यहां से एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस फोर में से वन को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस थ्री। जब भी अंडर रूट में माइनस आ जाए तो उसको हम इस तरह लिखते हैं वन प्लस माइनस रूट माइनस में आ जाए जब, तो वहां पर क्या हो जाता है, आयोटा आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय टू, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर आ रहा है। तो अब जो हम चेक करेंगे उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक करेंगे एक्स की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, सो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो ये थी स्टूडेंट, एक्स की पावर सिक्स माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू, ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली थी, एक ये वाली वैल्यू हमने x की निकाली थी और दूसरी हमने x की वैल्यू निकाली थी ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू हमारे पास थी टू की पावर वन ओवर थ्री होल पावर सिक्स माइनस टू की पावर वन ओवर थ्री होल पावर थ्री इज इक्वल टू टू। तो यहां से इसको हम करते हैं कैंसिल आउट, ये देखें नॉमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है कटेगा, तो टू की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, टू, टू की पावर टू माइनस ये इसके साथ कट जाएगा, ये टू की पावर टू और इज इक्वल टू टू आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टू की पावर टू मीन फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू, और यहाँ से फोर में से टू को माइनस करेंगे तो टू इज इक्वल टू टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्या है, इसके लिए ट्रू है। अब दूसरी वैल्यू हम चेक करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, इसके लिए हम चेक कर लेते हैं एक्स की पावर सिक्स माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू, और एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ पे एक्स है उसको रिप्लेस कर लेते हैं माइनस वन के साथ, ये वाली वैल्यू यूज़ करते हुए माइनस वन का की पावर सिक्स माइनस यहाँ पे माइनस वन की पावर
थ्री इज इक्वल टू टू और माइनस वन। देखें जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर आपके पास क्या आ रही हो, पॉजिटिव आ रही हो, सॉरी यहाँ पे इवन आ रही हो, तो वो नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है माइनस। और यहाँ पे हमारे पास माइनस वन की पावर थ्री आ रही है, नेगेटिव नंबर की पावर आपके पास आड आ रही है, तो जाहिर बात है ये क्या हो जाएगा, माइनस वन ही रहेगा, इज इक्वल टू टू। और दिस कैन बी रिटन एज वन माइनस इंटू माइनस प्लस वन इज इक्वल टू टू एंड दिस कैन बी रिटन एज वन प्लस वन टू इज इक्वल टू टू विच इज ऑल्सो ट्रू। सो ये दो जो सोल्यूशन सेट हैं ये इस इक्वेशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन स्टूडेंट ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।